असलमकुम वरह उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे अल्लाह तबारक व ताली हम तमाम को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रखे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बारबाडोज़ में हैं और बारबाडोज़ ये वेस्ट इंडीज़ में एक जगह है बारबाडोज़ है ट्रीनी है ग्रेनेडा है बहुत सी जगह हैं अल्लाह ताली पूरे वेस्ट इंडीज़ वालों को हिदायत अता फ़रमाएँ और यहाँ से बेहयाई फहाशी और अरियानीत का ख़ात्मा फरमाएँ और अल्लाह ताला हमें दीन की मुबारक मेहनत की तोफ़ी और शादत नसीब फ़रमाएँ आपने सुन रखा होगा बारबाडोस के बारे में कि यहाँ का पानी यहाँ का दरिया यहाँ का वेदर यहाँ की अपनी खूबसूरती और यहाँ की नेचुरलिटी जिसकी वजह से दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए तफरी के लिए अपनी छुट्टी को वक्त गुजारने के लिए हॉलीडे के लिए लोग यहाँ पर आते हैं वो क्यों आते हैं उसकी एक बुनियादी वजह अल्लाह की अजीब और ग़रीब कुदरत आपके सामने है ये ब्लू पानी अल्लाह अकबर ये समंदर ये समंदर अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है अजीब और गर गरीब कुदरत इंसान अगर अल्लाह को पहचानना चाहे तो समंदर को देखकर अल्लाह को पहचान सकता है और जो अल्लाह को पहचान ले वो अल्लाह का वली हो जाता है अल्लाह की पहचान बहुत बड़ी नेमत है दुनिया की सबसे बड़ी काम कामयाबी यह है कि इंसान अपने अल्लाह को पहचान ले जब अल्लाह को पहचानेगा तो गुनाह नहीं करेगा अल्लाह को नाराज़ नहीं करेगा बदनजरी नहीं करेगा झूठ नहीं बोलेगा ताना नहीं देगा धोखा नहीं देगा प्यारे नबी की नकल उतारेगा आखिरत की तैयारी में लगेगा और अपनी मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसकी तैयारी करेगा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ूबसूरत और एक सुनहरी और एक दिलकश माहौल यहाँ के लोग वेस्ट इंडीज़ के लोग बतौर ख़ास बारबाडोस के लोग रात में जल्दी सो जाते हैं और सुबह जो है वो जल्दी उठ जाते हैं और फिर वो यहाँ पर आकर अपना गसल वगैरह करते हैं अल्लाह की कुदरत का एक अजीब और गरीब और दिलकश नज़ारा ये देखें ला अल्लाह मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा समंदर का आवाज़ सुने आपबर अकबर الله اكبر